नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। बिहार में इंटर और मैट्रिक की परीक्षाएं जो है वो खत्म हो चुकी हैं और साथ ही लगभग कॉपियों की जांच की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी हो चुकी है। होली के पहले जो परीक्षा के परिणाम हैं उसको जारी करने को लेकर के भी अब बिहार जो विद्यालय परीक्षा समिति है उसकी तरफ से तैयारियाँ जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में कुछ अजीबोगरीब सवालों के जवाब सामने आए हैं जो कि उत्तर पुस्तिका में छात्रों के द्वारा लिखे गए हैं। खास बात यह कि इसमें कोई अपने आप को भगवान हनुमान का भक्त बता रहा है तो कोई ये कह रहा है कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ और मुझे मैंने जो परीक्षा दी है वो सही से नहीं दी है, लिहाजा मुझे अच्छे नंबर से पास करवा दें। तो कोई उस कॉपी में ये लिखते नज़र आता है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी इसलिए परीक्षा अच्छी नहीं गई है, आप मुझे पास करा दें। दरअसल हर साल जब भी बिहार बोर्ड की परीक्षाओं की जो कॉपियां हैं जब उसको जांचा जाता है तो उसमें एक चीज़ निकल के सामने आती है कि कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो उसमें पैसे रख देते हैं। कई बार उसमें अनुरोध वाली पर्ची है वो लगाई जाती है। लेकिन क्योंकि पिछले कुछ सालों में इन तमाम चीज़ों पर रोक लगाने के लिए बोर्ड अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें बार कोडिंग कर रहा है ताकि इस तरह की चीज़ों पर लगाम लगाई जा सके। इन तमाम चीज़ों के बीच में अब तस्वीरें आपके सामने हैं जो कि बिहार के नवादा से सामने आई हैं। वहाँ पर हम एक एक करके आपको उन तमाम उत्तर पुस्तिकाओं में क्या कुछ लिखा गया है उसकी जानकारी देंगे। तो देखिए, ऊपर में BSC भी लिखा हुआ है, यानी कि बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड जो है, यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है उसका लगा हुआ जो कि पिन होल करके बनाया जाता है, उसके ऊपर में इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 वहाँ पे लोगो लगा हुआ है, पेज नंबर 10 है। और वहाँ पे लिखा जाता है कि सर माफ़ करना क्योंकि बहुत गरीब आदमी है, लाचार आदमी है, आप कहें तो हम पैर पर गिर सकते हैं, लेकिन नंबर दे दीजिएगा। हिंदी की बड़ी शुद्धियाँ हैं इसमें, हिंदी का ये संभवतः ये हिंदी की का ही पेपर लग रहा है। और वहाँ पर एक जगह पर इस तरीके से छात्र ने लिखा है, ऊपर में 3 नंबर शायद कॉपी चेक करने के दौरान में उसको दिया गया है। एक और इसी तरीके का जो एक कॉपी है उसमें भी 10 नंबर पढ़ने पर इसी तरह की चीज़ें लिखी गई हैं। लिखा गया है सेवा में श्रीमान विषय भक्ति आंदोलन के संबंध में। उसके बाद नीचे लिखा गया कि हम महाशय सबने निवेदन यह है कि हम बजरंग बली के भक्त हैं, TKYS कॉलेज सीतामढ़ी से हैं, मुझे भक्ति करने के लिए 5/2/2020 है वहाँ पे फिर 10/2/2020 तक छुट्टी देने का जो है कर प्रदान करें, ये बातें लिखी गई हैं। और फिर लिखा गया है आपका आज्ञाकारी रमेश कुमार और नंबर कुछ कुछ लिखा गया है। उसके बाद हम आते हैं एक तीसरे कॉपी पर, उस कॉपी की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है कि सर आपसे आवेदन है, अच्छी से नहीं लिख पाए हैं, बहुत जो है तबीयत खराब था। उसके बाद लिखा गया है इसमें कि जो है वो ये बुखार बीमार लग रहा था, आपका बेटी हूँ, आप अच्छा नंबर दे दीजिएगा, आपका बेटी है, मेरी बेटी समझकर सर नंबर दे दीजिएगा, सर आपको प्रणाम करते हैं, वैसे आपका बेटी है, हम ही आपका ही बेटी हूँ, सर बहुत गरीब परिवार से हैं, सर आपका बेटी होंगे तो आप ज़रूर समझिएगा आप। ये इस कॉपी में इस तरीके से लिखा गया है। तो इस तरह के अलग अलग जो प्रश्न पत्र हैं वो उनके जो उत्तर जो दिए गए हैं उसमें पास कराने के लिए छात्राओं के जो अनुरोध पत्र हैं वो सामने आए हैं। इस पूरे मामले पर नवादा के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं संजय कुमार चौधरी, उनसे हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने बयान में क्या कुछ कहा है, छोड़े जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। जो आज अखबार में छपी है, तो एक कटिंग मुझे भेजा गया है जिसमें इसमें दैनिक भास्कर में है कि छात्रा जो है वो छात्रा अखबार में इसमें कापी में अपील करते हैं कि मुझे पास कर दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो इंटरमीडिएट का मूल्यांकन कब का समाप्त हो चुका है, 17 को ही हमारे यहाँ समाप्त हो चुका है, इसलिए उस खबर नवादा की है या कहाँ की है इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते हैं, और अभी उसका सत्यापन करना भी संभव नहीं है क्योंकि मूल्यांकन हमारे यहाँ समाप्त हो चुका है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नवादा में नहीं हुई है, और चूँकि मूल्यांकन केंद्रों पर मूल्यांकन कक्ष में मोबाइल वगैरह का यूज वर्जित था इसलिए हम कब खत्म हुई है सर मूल्यांकन हमारे यहाँ 17 को समाप्त हो गया। क्या सर इसकी कोई जांच भी करिएगा?
जांच करेंगे, देखते हैं, पूछते हैं मूल्यांकन निदेशक से कि चूंकि अखबार में आया है तो ये जांच हम करेंगे, मूल्यांकन निदेशक से हम प्रतिवेदन लेंगे कि क्या इस प्रकार से अखबार में आया है ये न्यूज, आप बताएं कि ये क्या वस्तुस्थिति क्या है, हम पूछेंगे। इसकी पुष्टि आप नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं पुष्टि कर रहे, बिल्कुल नहीं पुष्टि कर रहे। इस ढंग का कोई मामला हमारे संज्ञान में पहले भी नहीं था, न किसी मूल्यांकन निदेशक ने बताया, ना ही किसी केंद्र के मजिस्ट्रेट द्वारा इस टाइप की कोई खबर दी गई। और चूंकि मूल्यांकन हमारे यहाँ समाप्त हो चुका है और मूल्यांकन के इतने दिनों के बाद ये खबर आना, ये मुझे इसमें बिल्कुल सत्य नहीं है, ये खबर सत्य नहीं है।